मध्य प्रदेश में आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कहते हैं खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर, तो आपने इस लिफाफे को देखकर क्या मजमून भापा? देखिए विनोद जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति मेरा इंटरव्यू ले रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, लिफाफा ही नहीं पूरी तरह से समर्पण के साथ मैं कह सकता हूँ जो भी मैंने देखा है एक महीने में यहाँ पर, कि चौथी बार शिवराज जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। मैं जन आशीर्वाद यात्रा में भी शिवराज जी के साथ कई जगह गया था, जिस प्रकार रात को 2 बजे रात को 1 बजे बहुत लोग लाखों हजारों लोग अपने घर से निकलकर आशीर्वाद शिवराज जी को दे रहे थे। जो खुशखबरी 11 दिसंबर को आने वाला है उससे पहले उसकी खुशबू आज हम सूंघ सकते हैं। खुशबू आप सूंघ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बताइए, इस खुशबू में हवा में कुछ और भी तरह की बातें चल रही हैं, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को लेकर के ये माना जा रहा है कि भाई मामा के 15 साल हो गए, अब 15 साल बार बार ये कहा जा रहा है कि 15 साल बहुत होता है, तो क्या लगता है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो भारी पड़ेगी या शिवराज सिंह का काम भारी पड़ेगा? देखिए कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और मैं राजनीतिक तरीके से नहीं बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी अभी सर्वे हुए हैं सब में बड़े कंफर्टेबल मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाता हुआ दिखाया गया है। अगर एंटी इनकम्बेंसी का ए भी होता तो ऐसा नहीं हो पाता, तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आपने कहा कि लोग कहते हैं 15 साल हो गए हैं सरकार शिवराज जी की है, वही लोग अगर पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर दिया जाए तो लोग कहते हैं कि फिर भी शिवराज जैसा कोई नहीं है, इसलिए सरकार तो शिवराज जी की ही बनी। अच्छा ये बताइए, आप इतने मुतमईन हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ या जो 4-5 राज्यों को चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों के नतीजों को क्या माना जाए, मोदी सरकार पर सेमीफाइनल रेफरेंडम माना जाएगा या कुछ और? देखिए कल अरुण जेटली जी को मैं सुन रहा था किसी चैनल पे, और उन्होंने कहा जब से हम पैदा हुए हैं तब से ऐसे लग रहा है कि हर चुनाव को सेमीफाइनल ही बताना होता है, कि इट इज़ अ सेमीफाइनल फॉर नेक्स्ट चुनाव। और इसमें कोई दो मत नहीं है, हर चुनाव चुनौती होता है और हर चुनाव आने वाले चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमें इससे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जीतेंगे और इस चुनाव का महत्व 2019 में भी रहेगा। चुनाव के बाद अगर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भाजपा की सरकारें बनती हैं तो मुख्यमंत्री यही रहेंगे या बदलेंगे? नहीं, हमने तो मुख्यमंत्री का फेस तीनों जगह प्रोजेक्ट किया है, तीनों के पोस्टर लगे हैं, तीनों के नाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने लिया है और कहा है, जब उनको इंटरव्यू में पूछा गया है तो उन्होंने कहा यही हमारे फेस है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मतलब कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है तो मध्य प्रदेश में मामा की चौथी पारी होगी, वसुंधरा जी की दूसरी होगी और छत्तीसगढ़ रमन सिंह की तीसरी होगी, तो ऐसे में फिर जो दूसरे दावेदार हैं उनका क्या होगा? कोई दूसरे दावेदार नहीं है, पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेते हैं, अध्यक्ष जी ने इन निर्णयों को लेकर सार्वजनिक रूप से कहा भी है और बार बार हम पार्टी में कह रहे हैं चौथी बार शिवराज सरकार, तो इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, शिवराज जी ही चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। आपको क्या लगता है, पिछली बार 175 सीटें थी कि 165 सीटें थी, इस बार उससे ज़्यादा आएंगी या कम? देखिए अब जो हमने एक स्लोगन दिया है अब की बार 200 पार, ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये एक संकल्प है, उसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि जिस प्रकार से मेहनत हमारे लोग जमीन पे कर रहे हैं, जिस प्रकार का बूथ का स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी का है और वहीं कांग्रेस पार्टी बिल्कुल संगठन विहीन है, इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारा संकल्प पूर्ण होगा। लेकिन ये स्लोगन तो आपने गुजरात में भी 150 का दिया था और कर्नाटक में 130 का दिया था। देखिए विनोद जी, ऐसा है कि गुजरात में हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि छठी बार कोई सरकार रिपीट हुई है, इससे पहले केवल और केवल बंगाल में हुआ था, वो अभी 8% के डिफरेंस के साथ हुआ, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़े छलांग के साथ, किसी दुविधा के साथ नहीं, कंफर्टेबल मार्जिन के साथ, प्रचंड बहुमत जो मैं कहता हूँ उसके साथ सरकार बनी। आखिरी सवाल, अगर जीत होगी तो मोदी जी की होगी या शिवराज जी की होगी, और हार होगी तो किसकी होगी? पार्टी की ही जीत होगी और जीत ही होगी, पार्टी की जीत होगी, पार्टी की प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत होगी, और हार का तो हम कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमने ठाना हुआ है कि 50 साल तक पंचायत से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी जनसेवा के लिए तत्पर रहेगी। धन्यवाद समित जी।